हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टेक सर्कल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक अमेजिंग वेबसाइट पिक्सी के बारे में। अभी तक आप अपना फोटो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम में अपलोड करते थे, लेकिन यहाँ से आपको कोई भी अर्निंग नहीं होता था। लेकिन आज एक ऐसे अमेजिंग वेबसाइट के बारे में हम बात करने वाले हैं जहाँ पर आप फोटो अपलोड करके अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हो। अगर आप एक फोटोग्राफ पर फोटो क्लिक करना आपको अच्छा लगता है तो यहाँ से आप अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हो। यहाँ पर आप मोबाइल से फोटो क्लिक करके अपलोड कर सकते हो। इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप पिक्सी का फुल डिटेल के बारे में बताने वाले हैं कि पिक्सी में आप साइन अप कैसे करेंगे, पिक्सी में फोटो अपलोड कैसे करते हैं, और साथ ही साथ वीडियो के अंत में और भी बहुत सारा मेथड बताने वाले हैं जिससे आप पिक्सी में अधिक से अधिक अर्निंग कर सकते हो। दोस्तों, मेरे चैनल में सिर्फ सही जानकारी दी जाती है। ऐसा नहीं कि आज आप फोटो अपलोड करें और कल से आपको पैसा आने लगे। अगर आप इस वेबसाइट में रेगुलर काम करते और अच्छे से काम करते तो यहाँ पर आप अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, वो लिंक का यूज करके आप साइन अप करते हैं तो आपको 50 रुपीज का बोनस दिया जाएगा। ये वेबसाइट ओपन होने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। इसके बाद यहाँ पर आपको साइन अप के ऑप्शन में क्लिक करना है। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आईएमए नंबर और आईएमए फोटोग्राफ। पर अगर आप ये वेबसाइट से फोटो खरीदना चाहते हैं तो आपको आईएमए कस्टमर के ऑप्शन में क्लिक करके साइन अप कर लेना। और अगर आप अपना फोटो सेल करना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, तो आईएमए फोटोग्राफर के ऑप्शन में क्लिक करके को साइन अप करना है। तो यहाँ पर हम अपना फोटो सेल करना चाहते हैं, इसलिए आईएमए फोटोग्राफर के ऑप्शन में क्लिक करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर हम फिल कर दिए। यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नेम डाल देना है, यहाँ पर लास्ट नेम डाल देना है, यहाँ पर एक यूजर नेम डाल देना जो अवेलेबल हो, यहाँ पर एक ईमेल आईडी डाल देना है, यहाँ पर आपको एक पासवर्ड डाल देना है, यहाँ पर आपको रिफरल कोड डालना है। ये रिफरल कोड मेरा है। जैसे ही रिफरल कोड अप्लाइड हो जाएगा यहाँ पर ग्रीन यहाँ आई के ऑप्शन में क्लिक करके आप देख सकते हैं अर्न रुपीज 50 व्हेन रिफरल कोड इज यूज टू ज्वाइन पिक्सी। आप रिफरल कोड का यूज करके ज्वाइन करते हो तो आपको 50 रुपीज का कैशबैक दिया जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में रिफरल कोड दे दिया गया, तो वहां से आप रिफरल कोड का यूज करके ज्वाइन कर ले। लॉगिन करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। यूजर नेम में क्लिक करके आप टोटल नंबर ऑफ फोटो आप कितना अपलोड किए हैं वो देख सकते हैं, और टोटल नंबर ऑफ व्यू कितना आपका आया है वो देख सकते हैं, और कितने मंथ से आप मेंबर बने हुए हैं वो देख सकते हैं। यहाँ पर आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके फोटो अपलोड कर सकते हैं। ये आपको मैनुअली करना है तो क्लिक हेयर टू अपलोड के ऑप्शन में क्लिक करना है, फिर जो भी फोल्डर में आपका फोटो है उसको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद ओपन के ऑप्शन में क्लिक करना है। देख सकते हैं फोटो अपलोड होना स्टार्ट हो गया है। मेरा इंटरनेट स्पीड काफी फास्ट है तो बहुत जल्दी ये अपलोड ले लेगा। जैसे ही आपका अपलोड कंप्लीट हो जाएगा आपका फोटो ड्राफ्ट में चल जाएगा। यहाँ से आपको फोटो सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपको टैग, टाइटल और डिस्क्रिप्शन डाल देना है। टैग ऑटोमेटिक ले लेता है, अगर और भी टैग आप डालना चाहते तो यहाँ पर मैनुअली डाल सकते हैं। यहाँ पर टाइटल डाल देते हैं। इसके बाद यहाँ पर डिस्क्रिप्शन भी कॉपी कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको सेंड टू रिव्यू के ऑप्शन में क्लिक करना है। जैसे ही आप इसमें क्लिक करेंगे ये आपका रिव्यू में चला जाएगा। रिव्यू होने में 2 से 3 दिन का टाइम लगता है। जैसे ही आपका रिव्यू कंप्लीट हो जाएगा आपका फोटो पब्लिश्ड हो जाएगा। अगर आपका फोटो रिजेक्ट हो जाता है तो आपको रिजेक्टेड लिस्ट में दिखाई देने लगेगा। तो इस तरह से आपको अपना फोटो अपलोड करना है।
यहाँ पर आप एक बार में एक से अधिक फोटो को सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर टैग टाइटल और डिस्क्रिप्शन डाल देते हैं। ये एक बार में तीनों में अप्लाई हो जाता है। आपको बार बार टैग टाइटल और डिस्क्रिप्शन डालने की जरूरत नहीं पड़ता। इसके बाद आपको सेंड टू रिव्यू के ऑप्शन में क्लिक करना है। नीचे में आपको एक और ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा मॉडल रिलीज का। मॉडल रिलीज क्या होता है? कोई भी फोटो का एक ओनर होता है, बिना ओनर के परमिशन के बिना हम उसका फोटो को अपलोड नहीं कर सकते। जैसे आप कोई मॉडल का फोटो शूट करते हैं तो उसके लिए का फोटो को अपलोड करने के लिए आपको उसका परमिशन लेना पड़ता है। आप बिना परमिशन के उसका फोटो को अपलोड नहीं कर सकते। इसके लिए आपको मॉडल रिलीज का फॉर्म को भर के अपलोड करना पड़ता है। इसके बाद ही आप मॉडल का फोटो को अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मॉडल रिलीज का फॉर्म है, तो इसको भर के आपको अपलोड करना पड़ता है। इसके बाद बात करते हैं रिजेक्टेड ऑप्शन का। आपका जो भी फोटो रिजेक्टेड होता है वह 21 दिन के बाद ऑटोमेटिक खुद यहां से डिलीट हो जाता है। इसके बाद बात करते हैं अकाउंट और उसके कैटेगरी के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं प्रोफाइल के बारे में। प्रोफाइल में क्लिक करके आप अपना प्रोफाइल देख सकते हैं, और साथ ही इसमें कुछ सुधार करना चाहते हैं तो एडिट के ऑप्शन में क्लिक करके इसमें सुधार भी कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं अर्निंग्स का। आपका एक फोटो सेल हो जाता है तो कम से कम आपको 15 रुपीज दिया जाएगा। इसके बाद बात करते हैं रिवेन्यू शेयर का। आपका 1 से 10 फोटो पब्लिश्ड हो जाता है तो आपको 20% शेयर दिया जाएगा। 11 से 100 फोटो आप पब्लिश्ड हो जाता है तो 22% शेयर दिया जाएगा। जैसे ही जैसे आपका फोटो पब्लिश्ड बढ़ता जाएगा आपका शेयर भी बढ़ता जाएगा। 15,000 प्लस हो जाता है तो आपका रिवेन्यू शेयर 40% हो जाएगा। यहाँ पर आप वीडियो भी अपलोड करके अर्निंग कर सकते हो। 1 से 10 वीडियो पब्लिश्ड होता है तो आपको 20% शेयर दिया जाएगा। 11 से 50 वीडियो पब्लिश्ड होता है तो आपको 25% शेयर दिया जाएगा। जैसे ही जैसे आपका वीडियो पब्लिश्ड बढ़ते जाएगा आपका रिवेन्यू शेयर भी बढ़ते जाएगा। 25,000 प्लस हो जाता है तो आपका रिवेन्यू शेयर 40% हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं रिफरल का। ये मेरा रिफरल कोड है, ये मेरा रिफरल लिंक है। अब रिफरल लिंक के थ्रू साइन अप करते हैं तो आपको 50 रुपीज का कैशबैक दिया जाएगा। आप अपने फ्रेंड फैमिली और रिलेटिव को अपने लिंक के थ्रू साइन अप करते हैं तो आपको 10 रुपीज का कैशबैक दिया जाएगा। इस तरह से आप ये वेबसाइट से एक्स्ट्रा इनकम भी जनरेट कर सकते हैं और अधिक मनी अर्न कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं पेमेंट का। यहाँ पर आपको अपने अकाउंट का फुल डिटेल डाल देना है। अगर आप आउटसाइड ऑफ इंडिया भारत से बाहर के तो यहाँ पर आपको पेपल का लिंक डालना है। इस तरह से आपको पे आउट अपने अकाउंट में ले लेना है। इसके बाद बात करते हैं एफटीपी के बारे में। आप बल्क में फोटो अपलोड करना चाहते हैं, एक बार में बहुत अधिक फोटो को अपलोड करना चाहते हैं, एक बार में आप 500 से 1000 फोटो को एक बार में ही अपलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको एफटीपी का पासवर्ड जनरेट करना पड़ेगा। इसके थ्रू में आप एक बार में बहुत अधिक फोटो को अपलोड कर पाएंगे। दोस्तों, पिक्सी के फुल डिटेल के बारे में हम बता चुके हैं। ये वीडियो आपको देखने में कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपको एक लाइक से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है इस तरह का वीडियो बनाने के लिए। और आपको अगर किसी भी तरह का दिक्कत आ रहा तो नीचे कॉमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।